नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। उत्तर प्रदेशी नगर निकाय सफाई कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ के आह्वान पर उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर महानगर में जुलूस निकाला। झांसी उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारी नगर निगम कार्यालय से पैदल जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को 9 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण बंद किया जाए और उन्हें परमानेंट किया जाए, और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को सहायता राशि दी जाए। ऐसे ही अन्य तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। हमारा नाम अशोक प्याल है, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के हम जिलाध्यक्ष हैं। आज किस चीज का जुलूस निकाला जा रहा है? आज हमारे क्रांति आह्वान पर 9 सूत्री मांग को लेकर आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना एक अनुरोध पत्र देने के लिए हम लोग नगर निगम प्रांगण से स्टार्ट हुए और जिलाधिकारी कार्यालय पर जाएंगे पैदल मार्च करके, तो सफाई कर्मचारियों की जो जनक समस्या है उनके बारे में अपना अनुभव पत्र दिया। क्या समस्याएं हैं, क्या मांगे हैं जिसको लेकर आप? समस्याएं तो बहुत हैं, आप देख लीजिए। अभी हाल में आज ही आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कि दिल्ली सरकार में परमानेंट कर दिया कर्मचारियों को। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों, कई हजार आदमी, लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 वर्षों से काम कर रहे हैं, आज बुढ़ापे की कगार पर हैं, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। यही सारी मांगे हैं। आउटसोर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है, कंपनी ठेकेदार शोषण कर रही है, और हमारे कर्मचारी को आधे में से आधा पैसा मिलता है, और उनके लोग जो एक्सपायर हो जाते हैं उन लोगों का भी कोई भुगतान नहीं किया जाता। इन सारे मुद्दों को लेकर हम माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश क्रांति आह्वान पर हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं।